ओम शांति। अच बाबा दे सताई ग्यारह 2020 दे महावचन। बाबा ने आज अपने बच्चियां नू कहा, मिठे बच्चे तुसी ड्रामा दे खेल नू जानदे हो, इसलिए शुक्रिया मनन दी भी गल नहीं। प्रश्न पूछया बाबा ने, सर्विसेबल माना सेवा करन वाले बच्चियां विच केड़ी आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर विच बाबा ने कहा, मंगण दी। फिर बाबा ने कहा, तुसी बाप तो आशीर्वाद जां कृपा आदि मंगण दी जरूरत नहीं है। तुहानू बच्चियां नू बाबा कहिंदे, सेवा करन वाले बच्चियां नू कोई बाप तो आशीर्वाद या कृपा आदि मंगण दी जरूरत नहीं है। तुसी किसे तो भी पैसा भी नहीं मंग सकते। मंगण तो मरना भला। तुसी जानदे हो ड्रामा अनुसार कल्प पहला जिन्ना ने बीज बीजिया होवेगा वो जरूर बीजणगे। बाबा कहिंदे, बीज बीजना माना बाबा दे यज्ञ च सहयोगी बनना। जिन्ना ने अपना भविख पद उच्चा बनाउना है तां ओह जरूर सहयोगी बनणगे। तुहाडा कम है सेवा करना। तुसी किसे तों भी कुछ मंग नहीं सकदे। भगती मार्ग विच मंगणा हुंदा, ज्ञान मार्ग विच नहीं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चियां दे अंदर तो शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु दे लई नहीं निकल सकदा, क्योंकि बच्चे जानदे हन कि ये खेल बनिया होया है। शुक्रिया आदि दी कोई गल ही नहीं। ये ता बच्चे जानदे हन ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्खर भी तुहाडे बच्चियां दी बुद्धि विच आउंदा है। खेल अक्खर कहन नाल ही सारा खेल तुहाडी बुद्धि विच आ जांदा है। माना स्वदर्शन चक्करधारी तुसी आपे ही बन जांदे हो। तिन्ना लोक भी बाबा कहिंदे, तिन्नों लोक भी तुहाडी बुद्धि विच आ जांदे हन। तीन लोक केड़े? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानदे हो कि हुण खेल पूरा हुंदा है। बाबा आके तुहानू त्रिकाल दर्शी बनाउंदे हन। तिन्ना कालां, तिन्ना लोकां आदि मद अंत दा राज समझाउंदे हन। काल माना समय नू कहा जांदा है। बाबा कहिंदे, काल जो है वो समय नू कहा जांदा है। ये सारियां गल्लां नोट करन तो बगैर याद नहीं रह सकदियां। तुसी बच्चे तां बहुत पॉइंट्स भुल जांदे हो। ड्रामा दी ड्यूरेशन नू भी तुसी जानदे हो। तुसी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनदे हो। ज्ञान दा तीसरा नेत्र मिल जांदा है। सब तो वड्डी गल है कि तुसी आस्तिक बन जांदे हो। नहीं तां निदंदे सी ना। ये ज्ञान तुहानू बच्चियां नू मिल रहा है। स्टूडेंट दी बुद्धि विच सदैव नॉलेज मंथन हुंदी है। ये भी ज्ञान है, नॉलेज है। उच्चे ते उच्चा बाप ही नॉलेज दिंदे हन। ड्रामा अनुसार बाबा ने हुण ड्रामा शब्द यूज कीता। बाबा कहिंदे, ड्रामा अक्खर भी तुहाडे मुंह तो निकल सकदा है। सो भी जो बच्चे सेवा विच हमेशा हाजिर रहंदे हन। हुण तुसी जानदे हो कि असी आरफन सी। माने आरफन साडा कोई धनी धुनी नहीं सी, कोई बाली वारस नहीं सीगा। हुण बेहद दा बाप धनी मिलिया है तां धन दे बन गए। माना कोई बाली वारस बन गया साडा। पहला तुसी बेहद दे आरफन सी। बेहद दा बाप बेहद दा सुख देण वाला है। होर कोई भी बाप इहो जिहा नहीं जो सुख दिंदा होवे। नवीं दुनिया अते पुरानी दुनिया ये सारा तुहाडे बच्चियां दी बुद्धि विच है। परंतु होरां नूं दूजियां नूं भी असल रीति नाल समझाओ। ये ईश्वरीय धंधे विच लग जाना चाहिदा है।
ताकि दूजियां नूं समझावांगे तां दूसरे भी ईश्वरीय धंधे विच लग जाणगे, सेवा करनगे, भाग बनाउणगे। तां हर एक दे हालात अपने अपने हुंदे हन, समझा भी उही सकणगे जो याद दी यात्रा विच होणगे। याद नाल बहुत बल मिलदा है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार, माना जिवें तिखी तलवार हुंदी है ना, बल वाली शक्ति वाली, तां बाप है ही तिखी तलवार। तां तुसीं तुहाडे बच्चियां दे अंदर भी जौहर, जौहर माना बल भर रहा है। योग बल ना विश्व दी बादशाही पाउंदे हो। योग नाल बल मिलदा है, ज्ञान नाल नहीं। बच्चियां नूं समझाया जांदा है कि इह पढ़ाई कमाई दा साधन है। योग नूं बल कहा जांदा है। रात दिन दा फर्क है ना। हुण योग ज्यादा अच्छा जां ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाबा दी याद। बाप कहंदे हन इस याद नाल ही तुहाडे पाप कट जाणगे। इस ते भी बाबा जोर दिंदे हन, ज्ञान ता सहज है। भगवान वाच, मैं तुहानू सहज ज्ञान सुणाउंदा हां, 84 दे चक्कर दा ज्ञान सुणाउंदा हां, उस विच सारा कुछ ही आ जांदा है। ज्ञान अते योग दोनों है सैकेंड दा काम। बस असी आत्मा हाँ, सानू बाप नू याद करना है। इस विच मेहनत है। याद दी यात्रा विच रहन नाल शरीर दी जिमें विस्मृति हो जाती है, विस्मृति माना जिमें शरीर तो न्यारे हो जाते हैं। घंटा भर भी एदा अशरीरी होके बैठो ता किन्ने पावन हो जावो। मनुख रात नू कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद कर दे ता अशरीरी हो जाते हैं ना। हुण समा ता कोई, बाबा कहंदे उस समय ता कोई विकर्म नहीं हुंदा, मना आत्मा सो गई है। ता बाबा कहंदे आत्मा थक के सौ जाती है। ऐदा भी नहीं कि कोई पाप विनाश हुंदे हन, नहीं, वो ता नींद है। विकर्म कोई हुंदा नहीं। नींद ना करिए ता पाप ही करदे रहेंगे। ता नींद भी एक बचाओ है। सारा दिन सर्विस करके आत्मा कहती है कि हुण मैं सौ जांदा हाँ, अशरीरी बन जांदा हाँ। तुसीं शरीर हुंदे भी अशरीरी बनना है। असीं आत्मा इस शरीर तो न्यारी शांत स्वरूप हाँ। आत्मा दी महिमा कदे सुनी नहीं होवेगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा दी महिमा भी गाउंदे कि ओ सत है, चेतन है, शांति दा सागर है। हुण तुहानू फिर कहणगे मास्टर, बच्चियां नू मास्टर भी कहंदे हन। ता बाबा बहुत युक्तियां भी दसदे हन। ऐदा नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुसीं याद विच रह के पापा नू विनाश करना है। सारा दिन कोई सुते नहीं रहना है। बाबा कहंदे याद विच रह के पापा नू विनाश करना है, जिन्ना हो सके बाप नू याद करना है। अगे बाबा ने कहा कि बाप समझाउंदे रहंदे हन, मुरलियां बहुत मिलदियां रहंदियां हन। अगली पॉइंट बाबा दस रहे हन कि ये रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। मुरली पढ़ो तां तुहाडी हाजरी लगे, नहीं तां गैर हाजरी पढ़ पै जावेगी। क्योंकि बाबा कहंदे हन तुहानू मैं रोज गहरियां गहरियां गल्लां सुणाउंदा हां, जे तुसी मुरली मिस करोगे तां ओ पॉइंट्स भी मिस हो जाणगियां। तां इह नवीआं गल्लां हन ना, जो दुनिया विच कोई भी नहीं जाणदा, तुहाडे चित्र देख के ही चकरित हो जांदे हन। कोई शास्त्रां विच भी नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए सी, तुहाडी तां इह चित्रशाला ही नवीं है। ब्राह्मण कुल दे देवता जो बनन वाले होणगे, उन्हां दी बुद्धि विच बैठेगा, कहणगे इह तां बिल्कुल ठीक है। कल्प पहलां भी असीं पढ़िया सी, जरूर भगवान पढ़ाउंदे हन। भगती मार्ग दे शास्त्रां विच पहले नंबर विच गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर अलप काल दे अद्धा कल्प तो बाद उस दे विच भी बहुत दूजे शास्त्र बनते हैं।
फिर बाबा ने उदो अगली पॉइंट विच कहा, पढ़ाई दी पॉइंट भी बाबा ने दिती, याद ले भी कहा, बाबा हुन कह रहे कि बाप है गरीब निवास, गरीबां नू ही बच्चियां मिलनगियां, गरीबां दियां ही बच्चियां मिलनगियां जिहड़ियां अपने आप नू सरेंडर कर दिंदियां ने, मन लगन हुंदी है, साहूकारां नू तां अपना नशा बड़ा रहिंदा है। बाबा कहिंदे कल पहला जो आउणगे उही आउणगे, फिकरात दी कोई गल नहीं, शिव बाबा नू कदे कोई फिकरात नहीं हुंदी, दादा नू होवेगी, दादा नू माना ब्रह्मा बाबा नू चिंतन चलेगा, इसनों अपना भी फिकर है कि मैं नंबर वन पावन बनना है। बाबा कह रहे ये फिकर तो रखना ही है कि मैं अपने आप नू संपन्न बनाना है, तो बाबा नू ये फिकर है कि मैं नंबर वन पावन बनना है। इस विच गुप्त पुरुषार्थ है, चार्ट रखन नाल सब समझ आता है कि इसका पुरुषार्थ ज्यादा है। बाप हमेशा समझाते हैं बच्चे डायरी रखो, बहुत बच्चे लिखते हैं कि चार्ट लिखण नाल सुधार बहुत होया, ये युक्ति तो बहुत अच्छी है, तो सारिआं नूं करनी चाहीदी है, डायरी रखण विच तुहानूं बहुत फायदा है, मदद भी मिलेगी, पुरशारथ होवेगा। बाबा कहिंदे सब तो मुख गल ये नोट करो कि बाबा कहिंदे याद दी यात्रा विच रहना है, कदे भी भुलना नहीं चाहीदा, उस समय जो भी गल है डायरी विच नोट करो, रात नू हिसाब लिखना चाहिदा है, फिर पता लगेगा कि सानू घाटा पै रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर दे विकर्म भस्म करने हन। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चियां नू याद प्यार दिती मिठे मिठे, सिक्की लदे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, सार है, पहला है विकर्मा तो बचण दे लई इस शरीर विच रहंदे अशरीरी बनण दा अभ्यास करना है, याद दी यात्रा इहो जही होवे जो शरीर दी विस्मृति हुंदी जावे, माना भुल जाइए शरीर नू न्यारे हो जाइए। दूसरा, ज्ञान दा मंथन कर आस्तिक बनना है, मुरली कदे भी मिस नहीं करनी है, अपनी उन्नति दे लई डायरी विच याद दा चार्ट रोज नोट करना है। फिर बाबा ने वरदान दिता, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग दा अखुट खजाना प्राप्त करन वाले माला माल पव। बाबा ने विस्तार नाल दसिया, संगम युक्ते सारे बच्चियां नू भाग बनाउण दे लई नॉलेज रूपी चाबी मिलती है, ये चाबी लगाओ अते जिन्ना चाहो ओना भाग दा खजाना लवो, चाबी मिली अते माला माल बन गए, जो जिन्ना माला माल बन दे ओना खुशी अपने आप ही रहती है। इदा अनुभव हुंदा है जिमें खुशी दा झरना अखुट अविनाशी बहिंदा ही रहिंदा है, ओ सर्व खजानियां तो भरपूर माला माल दिखाई दिंदे हन, उन्हां दे कोल किसे भी प्रकार दी अप्राप्ति नहीं रहिंदी। सलोगन है, बाप नाल संबंध ठीक रखो तां सारियां शक्तियां दी करंट आउंदी रहेगी, माना करंट माना शक्ति मिलदी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।